हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन क्लासेस। आई एम योर इंग्लिश रीडर टीचर, माय नेम इज शांति। हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स आर फाइन। टुडे आई विल टीच यू चैप्टर नंबर 8, द वाइस आंट। तो बच्चों, हमने पिछली वीडियो में हमने प्रीवियस वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 7 समझाया था, बताया था, उसका नाम है लॉस्ट, ठीक है। अब हम आज की वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 8 समझाएंगे, और उस जिसका नाम है द वाइस आंट, ठीक है। बच्चों, सबसे पहले हम ये बता दें आपको इस चैप्टर में, ये इस चैप्टर की सभी थोड़ी सी बता देंगे हम आपको कि इस चैप्टर में थोड़ा बहुत क्या है, ठीक है। ग्रास हॉपर जो होता है वो बहुत आलसी होता है, और आंट बहुत मेहनती होता है, ठीक है। तो बच्चों, हमें एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, हमें हमेशा मेहनती होना चाहिए। अगर हम आलसी बन के काम करेंगे तो हमारा कभी भी कोई काम पूरा नहीं होगा, और जब हमें ज़रूरत पड़ेगी जिस चीज़ की, वो चीज़ हमें टाइम पे नहीं मिल पाएगी, ठीक है। और आलसी की तरह बैठे रहेंगे तो हमें कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आप जो है मेहनत करके अपना काम करेंगे तो आपको, आप जिस अपने लक्ष्य तक पहुँचना चाहते हैं, आप उस लक्ष्य तक अपने अवश्य पहुँचेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है बच्चों, कि आपको बस मेहनती होना है, ठीक है। आप मेहनत करके अपना काम करते रहिए। जैसे कि आपकी स्कूल की पढ़ाई को लेके हम कुछ बात करते हैं पहले, जैसे कि आपकी स्कूल की पढ़ाई, ठीक है। आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर रहे हैं, तो स्कूल आने के बाद जिन बच्चों ने वर्क कंप्लीट करके रखा होगा, उनका तो वर्क कंप्लीट हो जाएगा, वो तो रिवीजन करेंगे आगे का, उनकी अच्छे से और रिवीजन हो जाएगी, वो उनके टेस्ट में अच्छे मार्क्स आएंगे। लेकिन बच्चों, जिनका वर्क कंप्लीट नहीं होगा, वो पहले अपना वर्क कंप्लीट करेंगे, उसके बाद वो याद करेंगे, फिर रिवीजन का टाइम होगा, तो इसमें ज़्यादा टाइम जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि बच्चों, आप लोग अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाएंगे, और आपके टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए अगर हम अभी से ही किसी बच्चे से कॉपी लेके या ऑनलाइन क्लासेस में अपना वर्क कंप्लीट करते रहे, तो हमारा वर्क बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा, हमें रिवीजन करने का टाइम भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अब हम आपकी पढ़ाई की बातें को लेकर ख़त्म करते हैं। अब हम आते हैं चैप्टर 8 में, जिसका नाम है द वाइस आंट, ठीक है। देखिए बच्चों, इसमें क्या लिखा हुआ है, इट वॉज़ अ टाइम ऑफ मिड डे, द सन वॉज वेरी हॉट, अ लेजी ग्रास हॉपर वॉज रेस्टिंग इन द शेड ऑफ बशेज, बट द आंट वॉज बिजी, शी वॉज कलेक्टिंग ग्रेन्स। दोपहर का समय था, ठीक है, सूरज बहुत गर्म था, एक आलसी टिड्डा, हम ग्रास हॉपर को टिड्डा कहते हैं, ठीक है, एक आलसी टिड्डा झाड़ियों की छाया में आराम कर रहा था, लेकिन चींटी बिजी थी, वह अनाज इकट्ठा कर रही थी। ग्रास हॉपर, व्हाट आर यू डूइंग, ग्रास हॉपर कहता है तुम क्या कर रहे हो, आंट कहता है आई एम कलेक्टिंग ग्रेन्स, मैं अनाज इकट्ठा कर रहा हूँ। फिर ग्रास हॉपर कहता है व्हाई आर यू कलेक्टिंग देम, कि आप उन्हें क्यों इकट्ठा कर रहे हैं। आंट कहता है फॉर फ्यूचर यूज़, मतलब कि भविष्य के उपयोग के लिए। फिर ग्रास हॉपर कहता है फॉर फ्यूचर यूज़, हाँ हाँ हाँ, मतलब वो हंसने लगता है कि फ्यूचर यूज़ के लिए, अच्छा, इट मीन्स यू विल नॉट फाइंड एनी फूड इन द फ्यूचर, भविष्य के उपयोग के लिए। फिर वो हंसने लगता है, फिर कहता है कि इसका मतलब आपको भविष्य में कोई भोजन नहीं मिलेगा। आंट कहता है दिस स्टॉक विल हेल्प मी इन द नेक्स्ट सीजन, मतलब कि यह स्टॉक मेरी अगले सीज़न में मदद करेगा। फिर ग्रास ऑफर कहता है लिटिल फेलो यू आर वेरी ग्रीडी, मतलब तुम बहुत लालची हो, ठीक है। उसने ग्रास ऑफर ने कहा तुम बहुत लालची हो। द आंट डिड नॉट लिसन टू हिम एंड केप्ट ऑन वर्किंग। आफ्टर सम टाइम द रेनी सीजन बिगेन, चीटी ने अपनी बात से मतलब उसकी बात नहीं मानी, और काम करता रहा, ठीक है। कुछ समय बाद बरसात का मौसम शुरू हो गया, आसमान बादलों से घिर गया, जल्द ही बारिश शुरू हो गई। चीटी उसके छेद में चली गई, उसके पास बहुत खाना था, टिड्डे के पास खाने को कुछ नहीं था, वह चीटी के पास गया, ठीक है। द स्काई वॉज ओवरकास्ट विथ क्लाउड्स, सून इट स्टार्टेड रेनिंग, द आंट वेंट इन टू हर होल, शी हैड अ लॉट ऑफ फूड, द ग्रास हॉपर हैड नथिंग टू ईट, ही केम टू द आंट, ठीक है। उसने आंट से मतलब वो चीटी के पास गया। फिर ग्रास हॉपर, डियर आंट आई एम हंग्री, प्लीज गिव मी सम फूड, द आंट केम आउट ऑफ द होल, मतलब
प्री उसने ग्रास ओपर ने कहा मतलब ग्रास ओपर ने कहा कि प्रिय चींटी मुझे भूख लगी है, कृपया मुझे कुछ खाने को दो। ठीक है, चींटी छेद से बाहर आई। आंट, इन हॉट डेज व्हेन आई वाज कलेक्टिंग फूड यू वर रेस्टिंग, व्हाई डिड यू कम टू मी नाउ। चींटी ने कहा, गर्म दिनों में चींटी जब मैं खाना इकट्ठा कर रहा था तो तुम आराम कर रहे थे, अब तुम मेरे पास क्यों आए हो। ग्रास ऑपर ने कहा, आई एम सॉरी आई हैव अंडरस्टूड दैट यू वर राइट, मतलब मुझे क्षमा करे मैं समझ गया कि आप सही हैं। ठीक है, द आंट कॉल्ड द ग्रास ऑपर इन एंड शेयर्ड हर फूड विथ हिम। चींटी ने टिड्डे को अंदर बुलाया और अपना भोजन उससे साझा किया, मतलब उसके साथ शेयर करके खाया। मतलब कि अगर बच्चों मान लीजिए किसी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि गलती करने वाले से माफ़ करने वाला सबसे बड़ा होता है। ठीक है, चलिए आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आई होप कि बच्चों आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से, ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ना समझ में आए तो 10 से 12 के बीच में आप हमसे कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं पढ़ाई से रिलेटेड। तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, टेक केयर बच्चों, बाय बाय।